सबको नहीं सिखाता। गौरव भाटिया भी अपने तरीके से जवाब देंगे। देखिए, एक चोरी तो हमने देखी थी जब मुख्यमंत्री बंगला खाली करते हैं सरकारी, तो 200 रुपए की टोटी चुरा लेते हैं। वो भारत के इतिहास में सबसे ओछी, घटिया और गंदी चोरी थी, 200 रुपए की टोटी। दूसरी बात आप देख, बीजेपी परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाती है, इसीलिए जिसको अपने बहू बेटे बेटी के लिए टिकट चाहिए वो बीजेपी से नमस्ते कर सकता है, अगर हक बनता है तो मिल जाएगी, बीजेपी का ये कहना है। इसीलिए आज हरक सिंह रावत भी रो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरे को गलत समझ लिया। देखिए, वो मैंने सुना अभी हरक सिंह रावत जी कह रहे थे, और हरक सिंह रावत को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संस्कार सिखा रहे थे। वैसे हरक सिंह रावत भी उसी संस्कार में आते हैं जिस संस्कार में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आते हैं। वो भी नए नए बीजेपी में गए हैं, वो हरक सिंह को ज्ञान दे रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी है। कल जो भारतीय जनता पार्टी में गया है वो 30 साल पुरानी भारतीय जनता पार्टी में जो नेता उसको ज्ञान दे रहा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता क्या है और ज्ञान देने वाले कौन है। वो भी तो दूसरे दल से दूसरे दल में छोड़ के गए हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं, दल बदलू क्या होता है। अब ये देश का क्या होगा सोचिए आप, ये भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा कि दल बदलू को ज्ञान दे रहे हैं। मतलब चोर चोर को समझा रहा है कि भाई चोरी मत किया करो, तो बताओ चोर कितना समझेगा, ये बता दीजिए मुझे। एक बात, दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी कहती है परिवारवाद नहीं होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से ही कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने तो उनकी बेटी को लड़ाया था बदायूं से, समाजवादी ने तो लड़ाया नहीं था, तब उनको परिवारवाद नजर नहीं आया, तब परिवारवाद नहीं था। अब भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी तो परिवारवाद हो गया, ये कहां का कानून है? ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती है ठीक उल्टा समझो। 70 लाख रोजगार देने की बात की थी उत्तर प्रदेश में, नहीं दिया ना। यहां बोला था किसानों की इनकम दुगनी कर देंगे, नहीं किया ना, ठीक उसका उल्टा किया। परिवारवाद की बात करेगी, परिवारवाद खुद करेगी। पंकज सिंह कौन है जिनको टिकट दी गई है? आशुतोष टंडन कौन है? मैं पूछना चाहता हूं संदीप कल्याण सिंह जी के क्या लगते हैं, प्रतीक सिंह ब्रजभूषण शरण सिंह के क्या लगते हैं? अरे कितने के नाम गिना दूं, ये वो लोग हैं जो परिवारवाद करेंगे। इम्पोर्ट भी करते हैं, इम्पोर्ट भी करते हैं, सिंधिया जी आप भी आ जाओ और भी बुला बुला कहेंगे परिवारवाद नहीं है। कमाल है भाई, चोर चोर को नहीं सिखाता। गौरव भाटिया भी अपने तरीके से जवाब देंगे। देखिए, एक चोरी तो हमने देखी थी जब मुख्यमंत्री बंगला खाली करते हैं सरकारी, तो 200 रुपए की टोटी चुरा लेते हैं। वो भारत के इतिहास में सबसे ओछी, घटिया और गंदी चोरी थी, 200 रुपए की टोटी। दूसरी बात आप देखिए, जिनको इन्होंने लिया है स्वामी प्रसाद मौर्य, मेरे हाथ में अमीश जी इनको आईना दिखाने की एक खबर है। वो कहते थे कि सपा गुंडों की पार्टी है, और मायावती कहती थी कि सपा में इतने गुंडे हैं जेल खाली भर जाएंगे लेकिन सपा के गुंडे कम नहीं होंगे। तीसरी बात, ये बात सत्य है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बेटी हमारी पार्टी में है और हमारी नेत्री है, बड़ा आदर करते हैं मंत्री। ये तो ये भी दर्शाता है कि महिला जो है मंत्री किसमें वो सुरक्षित केवल भारतीय जनता पार्टी में, महिला का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में ही है। पांच साल कैबिनेट मंत्री किसमें थे? अच्छा, महिला अगर परिवार से आती तो परिवार में नहीं आता है, ठीक, क्या बात है, क्या बात है? अगर बेटी है, अगर किसी की बेटी है तो परिवार में नहीं आती है, बेटा है तो आता है। अच्छा, क्या नया डेफिनेशन दिया है? मतलब बेटा है, पत्नी नहीं आएगी, पति आएगा, बेटी नहीं आएगी, बेटा आएगा, दादाजी नहीं आएंगे, दादी आएगी, दादी आएंगे, दादाजी नहीं आएंगे, नाना आएंगे, पता नहीं क्या डेफिनेशन करना। परिवारवाद में क्या, परिवारवाद की परिभाषा क्या है भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से बनाती है। पहले तय कर लो कि ये परिवार में नहीं आते, तय कर दो, नहीं नहीं एक लाइन बना दो, ठीक है, एक 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 नहीं आता, एक एक करके सबसे बात कर लेते हैं। नहीं आती कि बेटी नहीं आती कि पत्नी नहीं आती, ठीक है, मुकेश शर्मा इसके बारे में ज्यादा ज्ञान दे देंगे। मुकेश शर्मा एक सेकंड, मुकेश शर्मा कांग्रेस से छोड़ के गए।